मतलब मोटिवेशन के लिए ऐसा है कि सर हम लोग ये नहीं चाहते कि अब घर पर डिपेंडेंसी बढ़ी रहे, और हर मतलब स्टूडेंट से यही उम्मीद घर वाले रखते हैं कि आपको एक लिमिट तक आपको पढ़ा दिया गया, छोटा मोटा कोई भी काम, आप यूट्यूब में काम करिए, किसी कोचिंग में काम करिए, कोई भी काम छोटा सा आप स्टार्ट करिए और इस पर अपना अगर दिल करता है, अच्छा लगता है आपको, तो आप उसको करिए। इसमें डिमोटिवेशन की बात नहीं है। एक दिन हम लोग पपीते 2 किलो खरीद के लाए कि खाएंगे रूम पे, खाते थे रेगुलर पपीते तो लाती थे, तो हम लोग जैसे पपीते लाए तो उसको काट के खिलाए दोपहर को भाई जी को, तो हमने बोला कि यार पपीते बेचते हैं, तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे, हम कह देखिए हमको भी पपीते खाने हैं और दोस्तों और लोगों को भी पपीते खाने हैं, और स्टूडेंट एरिया है पूरा, और स्टूडेंट को ऐसा कुछ न्यूट्रिशन चाहिए जो वो नहीं मतलब कि रेगुलर नहीं खरीद के अपने से खा सकते हैं, क्योंकि उसको फिनिश करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो हम लोगों ने प्लान किया कि चलो चालू करते हैं। फिर गए मंडी दूसरे दिन और लगभग 35 रुपये केजी का पपीता हम लोग लाए, 6 किलो लाए, ज़्यादा मतलब नहीं बच पाए कैसा। तो साथियों स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हम चिंद और चैनल में, और आज एक और मोटिवेशनल पर्सन से मिलाते हैं, हमारे तेज भाई और उनके साथी हैं जो कि पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और सिर्फ 1-2 नंबर से हमेशा रह जाते हैं, काफ़ी मोटिवेटेड पर्सन है। और दोस्तों भैया है ना एक सैलेड चाट खिला रहे हैं भोला राम उस्ताद मार्ग पे सिर्फ 20 रुपये में, इतनी बढ़िया और पौष्टिक चीज़ दे रहे हैं। और इनका मेन मोटिव तो ये था कि घर पे, जैसे कि घर पे डिपेंडेंट भी नहीं रहना पड़े, अपना सेल्फ डिपेंडेंट रहें, ये इंडिपेंडेंट रहें और है ना कुछ अच्छा भी करें, माइंड भी उनका डाइवर्ट रहता है, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं वो, तो बहुत ही और बढ़िया सी फ्रूट चाट खिला रहे हैं। मतलब साथियों मतलब वो स्टूडेंट वाला जोन है पूरा, 8 से 10 प्रकार के फ्रूट्स देते हैं और वो भी 20 रुपीज में। तो साथियों चलते हैं, ये सुबह से ही 4 बजे से तैयारी करते हैं, तो घर पे चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार की तैयारी करते हैं और भैया से बात करते हैं। जी सर, मेरा नाम तेज कुशवाहा है और मैं रीवा जिला से रहने वाला हूँ। और सर मेरी जो स्टडी पहले तो रीवा से हुई है, फिर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर वहाँ से लगा मुझे कि पीएससी और यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहिए, तो फिर मैं इसके लिए 1-2 साल तो मैं सेल्फी स्टडी किया इलाहाबाद में। फिर इसके बाद हम दिल्ली निकल गए, वहाँ हमारे दोस्त पूरे रहते थे तो हम भी गए, थोड़ा आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी लेकिन दोस्तों का अच्छा सपोर्ट रहा और हेल्प किया उन्होंने। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि स्टडी वहाँ की कोचिंग किया, फिर उसके बाद वहाँ थोड़ा संघर्ष की स्थिति थी, पैसे नहीं थे पर बढ़िया रहा, दोस्तों का सपोर्ट रहा, कोचिंग में थोड़ा सा काम करते रहे तो मेहनत किए, और 2016 का प्री क्वालिफाई नहीं किया, वैसे 16 में ही हम लोगों ने मेहनत अच्छी की थी, पर 17 फिर 18, तो 17 का हम लोग का प्री हुआ, 2 लोग भाई थे तो दोनों लोग का हम लोगों ने मेंस लिखा लेकिन अच्छा रिजल्ट नहीं रहा सर। तो फिर हम लोगों ने ये सोचा कि यहाँ MP में हमने देखा, हम MP से थे रीवा से, तो मुझे लगा कि MPPSC को थोड़ा सा टारगेट कर सकते थे, ज़्यादा दबाव आ रहा था, एज ज़्यादा बढ़ रही थी, तो इसलिए फिर यहाँ आए हम लोग, इंदौर आ गए, एक हमारे काफ़ी ख़ास दोस्त है तो वो फिर बुला के लाए कि चलो चलते हैं यहाँ। तो फिर यहाँ पर प्रिपरेशन चालू की, लगभग साल भर हमने मेहनत की, और 2019 का एग्ज़ाम हुआ, नोटिफिकेशन आया, उसमें हम लोगों ने प्री क्वालिफाई किया, फिर मेंस लिखा सर, और उसके बाद 19 का मेंस हुआ, फिर 20 का भी हुआ सर, 21 का भी हम लोग के मेंस इस पर लिखना है पर रिजल्ट नहीं आ रहा था सर। तो रिजल्ट नहीं आना ही सबसे बड़ी समस्या रही, और कोचिंग में पढ़ाने का भी काम देखे, क्योंकि आर्थिक स्थिति सर अच्छी नहीं थी, हमने पहले बताया सर आपको कि जब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी सर तो ये था कि कुछ करते हैं हम लोग, काम कुछ करना था तो कोचिंग पढ़ाते थे, पर रेगुलर जॉब नहीं थी सर, कभी मिलती कभी छूट जाती, तो अब ऐसा लगा कि करें क्या। तो फिर एक दिन हम लोग मतलब ऐसे रेगुलर चल ही रहा था धीरे धीरे, फिर दोस्तों ने ही सपोर्ट किया सब, ये अपनी मतलब पूरी तैयारी ले जाने के लिए। मतलब लगभग 6 बजे तक निकल लेते हैं ना? हाँ, 6:30 तक निकल लेते हैं, 6:30 पे स्टार्ट हो जाते हैं। हम लोग सहयोग दिया कि मतलब कुछ भी हो मंडी से सामान लाते थे क्योंकि सस्ता पड़ता था, जाते थे मंडी और 1-2 दिन जाते थे सप्ताह में, तो वहाँ सस्ती चीज़ें लाते थे तो सस्ता मिल जाता था, जिस वजह से क्या हुआ कि हम लोग का यहाँ खर्च रूम का चलता रहता था ठीक से। फिर उसके बाद एक दिन हम लोग पपीते 2 किलो खरीद के लाए कि खाएंगे रूम पे, खाते थे रेगुलर पपीते तो लाती थे, तो हम लोग जैसे पपीते लाए तो उसको काट के खिलाए दोपहर को भाई जी को, तो हमने बोला कि यार पपीते बेचते हैं, तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे, हम कह देखिए हमको भी पपीते खाने हैं और दोस्तों और लोगों को भी पपीते खाने हैं, और स्टूडेंट एरिया है पूरा, और स्टूडेंट को ऐसा कुछ न्यूट्रिशन चाहिए जो वो नहीं मतलब कि रेगुलर नहीं खरीद के अपने से खा सकते हैं, क्योंकि उसको फिनिश करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है।
तो हम लोगों ने प्लान किया कि चलो चालू करते हैं। फिर गए मंडी दूसरे दिन और लगभग 35 रुपए केजी का पपीता हम लोग लाए, 6 किलो लाए, ज़्यादा मतलब नहीं समझ पाए कैसा क्या करना है। फिर 6 किलो लाए, उसको फिनिश किए। फिर दूसरे दिन से जो भोला राम उस्ताद मार्ग का मेन गेट है वहाँ हम लोगों ने स्टार्ट किया, जहाँ अभी हम लोग कर रहे हैं काम। तो बढ़िया रहा सर, 30-35 रुपए लगभग हम लोगों ने कमाया। फर्स्ट डे तो ऐसे ही था, 20-25 प्लेट 30 प्लेट जो प्लेटें हुई जो हमने निकाला, और रिस्पॉन्स अच्छा था सर। जो दोस्त मतलब कि बोल सकते जो कलीग्स जुड़े उसमें, दोस्त लोग जुड़े अच्छे लगे और उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया कि यार अच्छा कर रहे हो। हाँ हाँ, कुछ लोग तो होता है कि कभी ये कि क्या कर रहे हो, PSC है पढ़ लो, पर अपने को लगा कि सर कब तक पढ़ेंगे हम यहाँ से। मतलब श्री गणेश यहाँ क्या बनाना और वो चॉप करेंगे, वो भी आ जाएगा, बस उतना चॉप करके। और कुछ नया ट्राई किए हम लोगों ने कि लोगों को अगर न्यूट्रिशन के साथ हम लोग और अफोर्डेबल प्राइस में सर अगर कुछ कर सकते हैं अच्छा तो करते हैं। तो काफ़ी लोगों को इसका बेनिफिट मिला, हम लोगों ने जो 1.5-2 महीने से किया सर उसमें, और लोगों ने सपोर्ट किया काफ़ी अच्छा, मतलब लग रहा हम लोग को। और फिर उसके बाद लोगों ने बोला कि मिक्स सैलेड आप करिए, तो सर हम लोगों ने क्या किया कि जैसे मिक्स फ्रूट की मतलब फ्रूट चाट की जगह, हम लोग का चाट नहीं है ये, एक सैलेड है। हेल्थ के इशू का हम लोग ने ध्यान रखा कि बच्चों के हेल्थ के लिए है, अपने स्टूडेंट के हेल्थ के लिए है, हम लोगों के हेल्थ के लिए है, तो हम लोग को इसको चाट नहीं सलाद नाम देना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने इसको सलाद दिया कि ये मिक्स फ्रूट नहीं, मतलब मिक्स फ्रूट का सैलेड है। तो काफ़ी अच्छा लगा लोगों का नाम भी, और फिर PCS का नाम भी हम लोगों ने टाइप किया कि PCS फलाहार इसका नाम होना चाहिए, क्योंकि PCS के बच्चे ज़्यादा हैं, उनकी समस्याएं ज़्यादा हैं सबको सर। इसमें देखेंगे कि जो पेट की समस्या है, क्योंकि बैठते हैं सर तो गैस की थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन अगर पपीता खाएं और हल्के चीज़ खाते हैं तो थोड़ा सा उसका ज़्यादा बेनिफिट रहता है। भोला राम उस्ताद मार्ग है भवरकुआ से, जैसे ही आप आएंगे पीछे आपको भोला राम उस्ताद मार्ग दिख जाएगा, और इधर जैसे ही आप आएंगे इधर आपको भैया का स्टॉल दिख जाएगा PCS फलाहार के नाम से, इधर आपको भीड़ दिख जाएगी। तो इनका टाइमिंग है 8 बजे से चालू हो जाते हैं और 11 बजे तक आपको मिल जाएंगे, क्योंकि पोहे और आप देखेंगे समोसे का ही विकल्प है। तो हम लोग एक नया विकल्प लाने का प्रयास किए कि एक नया विकल्प हो मार्केट में और जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू हो और कम कीमत में, अफोर्डेबल जो कीमत है उस कीमत पर सभी को थोड़ा सा मिल सके ऐसा न्यूट्रिशन कि जो रेगुलर वो खा सकें। और सप्ताह में सर काफ़ी लोग आते हैं, इसमें भीड़ है, रेगुलर भी आने लगे हैं, बहुत सारे लोग पैसे जमा करके जाते हैं भैया मैं रेगुलर आऊँगा, टिफ़िन जा रही है, छोटे बच्चे आते हैं उनके टिफ़िन्स भी हम लोगों ने देना चालू कर दिया है। और काफ़ी अच्छा था, अच्छा था जी। डेली आते हैं आप भी? हाँ सर रेगुलर। हाँ रेगुलर आता हूँ। पैसे अपने से रखने? हाँ अपने से पैसे सही है, हमारे हाथ सही नहीं रहते, हाँ अपने से कर लेते हैं सर। बढ़िया, एक बॉक्स रख लीजिए तो उसमें डालते हैं, बॉक्स रखा हुआ है तो इसी में रखते रहते हैं और इसी को अपने से ले लेते हैं पैसे जब भी उनको जितना चाहिए। बहुत ईमानदार है लोग इंदौर में, बहुत बढ़िया काम चल रहा है, सपोर्ट बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ये पैकेजिंग चाहिए सर, सर छोटे बच्चे जो आते हैं वो उनकी टिफिन जाती है यहाँ से, उनकी मम्मी लोग आती हैं और टिफिन लेके आएगी और हम लोग बाहर कुछ करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो बच्चों के लिए भी अच्छा हो रहा है, स्कूलों तक भी आप ये पौष्टिक आहार पहुँचवा रहे हैं। जी जी, छोटे बच्चों की टिफिन जाती है तो बहुत अच्छा लगता है, बड़े बच्चे तो खा ही रहे हैं पर जो छोटे लोग बच्चे खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मम्मी मैं ये चीज लूँगा, फिर एप्पल लूँगा, जो चीज़ बोलते हैं वो चीज़ हम लोग देते हैं तो अच्छा लगता है सर जी। आप नमक डाल दो बेटे, छोटे बच्चों की जब टिफ़िन आती है तो हम लोग का अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि देखेंगे मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि थोड़ा सा पोषण की दिक्कत रही है, तो कहीं बेस्ट ये है कि मतलब क्वांटिटी भी मेंटेन कर रहे हैं प्लस क्वालिटी भी। बहुत निरंतर हाथ चलते रहते हैं ना? हाँ सर, हाँ 2-3 घंटे का काम है। हाँ सर, स्पीड अच्छी हो गई है सर, स्पीड अच्छी और हाइजीनिक का सर ध्यान विशेष रखता हूँ कि मतलब मक्खी नहीं बैठनी चाहिए हमारे फ्रूट्स में सर, क्योंकि अगर हाइजीनिक का ध्यान नहीं रखेंगे, जिसलिए हम चालू किए हैं हेल्थ और हाइजीनिक को, और पता चले हम न्यूट्रिशन और हाइजीनिक का ध्यान नहीं रख पा रहे तो उसका विशेष ध्यान रखते हैं सर कि फ्रूट्स ताज़े हों। और फिर अपने से साथ स्वयं सर मैं मंडी जाऊँगा उसको चेक करता हूँ कि अच्छा सही चीज़ है कि नहीं, महंगा लाता हूँ हर चीज़ की अच्छी क्वालिटी का करता हूँ बात, आप महंगा पैसे थोड़ा ज़्यादा लीजिए तो, क्योंकि हमें यही सामने खिलाना है सर, तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरा मतलब नाम खराब हो, जिसलिए मैं आया हूँ मेरा उद्देश्य पूरा ना। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हमें, हम इसे रोज़ आते हैं, रोज़ खाते हैं। अच्छा, जैसे ही कुछ ही जाते हैं तो हमें थोड़ा ब्रेकफास्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, तो मॉर्निंग के लिए सबसे बढ़िया ब्रेकफास्ट
फिर बाद में हम दो बजे छुट्टी होती है वैसे तो हमारी, इसलिए हमें सुबह सुबह खा के अच्छा लगता है, ऐसी कुछ मिल चीज़ मिल गई हमें वैसे तो रोज़ ये बोए वोए अच्छा भी लगता है खाना वाना, ये चीज़ अच्छी वेस्ट है, पौष्टिक है। कि अगर हम लोग थोड़ा अच्छा कर पा रहे हैं तो हमें अच्छा लगा, और हमारे दोस्त लोग पूरे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि हमारी एक प्रकार की टीम काम कर रही है, इनके चेहरा मुझे आगे मना देते हैं लेकिन काम सब लोग पीछे से वही कर रहे हैं, और ठीक चल रहा है सर इस प्रकार से। और सर हम लोग का भी थोड़ा सा ऐसे ही मोटिवेशन है, मतलब मोटिवेशन के लिए ऐसा है कि सर हम लोग ये नहीं चाहते कि अब घर पर डिपेंडेंसी बढ़ी रहे, और हर मतलब स्टूडेंट से यही उम्मीद घर वाले रखते हैं कि आपको एक लिमिट तक आपको पढ़ा दिएगा, छोटा मोटा कोई भी काम, आप यूट्यूब में काम करिए, किसी कोचिंग में काम करिए, कोई भी काम छोटा सा आप स्टार्ट करिए, और इस पर अपना अगर दिल करता है अच्छा लगता है आपको तो आप उसको करिए, इसमें डिमोटिवेशन की बात नहीं है। अगर हो सकता है आपको लाइफ कहीं और ले जाना चाह रही हो तो आपको मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है, लगे रहना है, काम करना है। अब हम ही को देखिए, एज काफ़ी हो रही है, 28-29 हो रही है सर, लेकिन हमने इलाहाबाद का संघर्ष किया, फिर दिल्ली का किया, अब इंदौर में भी जारी है सर। कुछ दोस्त हमारे बोलते हैं कि जहां तुम जाते हो वहीं रिजल्ट में दिक्कत आ रही है, हमने कहा नहीं ठीक है, अब एक साथ आएंगे ना सबका होगा, बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि जब 2-3 मेंस लिखे हैं तो उस पर कहीं कि अपने को उम्मीद है कि आज नहीं तो कल एक नए रूप में नए चेहरे के साथ फिर आएंगे। और भैया जी का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है कि आमची जो इंदौर है उनका बहुत अच्छा सहयोग है हर चीज़ में, भैया ने बहुत मोटिवेट किया हम लोग को कि यार आप लोग कर सकते हैं, और हम लोग कर रहे हैं, और आज भैया के मुलाकात भी हुई, अच्छा लगा हम लोग को, और जो हमारी टीम है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, और हम लोग सुबह से ही 4 बजे से जग के 4:30 बजे से जगते हैं, फिर उसको फिनिश करते हैं, फिर जैसे आएंगे तो हम लोग 10 बजे तक फिनिश करते हैं, लगभग 6:30-6 बजे से 9:30-10 तक हम लोग का कार्यक्रम पूरा ये चलता है मेन गेट पे भोला राम उस्ताद मार्ग में। और कुछ लोग तो नाराज़ भी होते हैं कि भैया आप जल्दी चले जाते हैं, 10 बजे तो मेरी कोचिंग खुलती है और मैं आ नहीं पाता हूं, तो हम लोग बोलते भी हैं कि भैया क्षमा चाहते हैं इसके लिए, क्योंकि क्षमा इसलिए सर कि हम उनके लिए नहीं कर पा रहे हैं, और वहाँ ट्रैफिक का थोड़ा इशू आ रहा है कि ट्रैफिक गेट के पास करते हैं, हो सकता है कि नगर निगम नाराज़ हो, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि लोगों को भी सुविधा बनी रहे और अपने लिए भी, तो उनके लिए भी कुछ करेंगे अलग से हम लोग, पर अभी ऐसे ही चलने देते हैं धीरे धीरे। ऑफिस के लिए लेके जाते हैं, हाँ रास्ते में ये ड्रैगन फ्रूट था, स्पेशल आया है स्पेशल ड्रैगन फ्रूट। कैसे रह रहा है मैडम टेस्ट इन का? टिफिन के लिए तो बहुत अच्छा, मतलब सुबह सुबह के लिए बहुत नाश्ता। भोला राम उस्ताद मार्ग ये भंवरकुआं के पास पड़ता है, तो भंवरकुआं स्क्वायर से थोड़ा सा आगे जाएंगे राजीव गांधी जो चौराहा चौक है तो उसी के बीच में पड़ता है, स्टूडेंट का पूरा एरिया है, तो सब लोग आइए, और स्टूडेंट को तो खास रूप से मतलब आमंत्रण है कि आप लोग आइए एक बार टेस्ट करिए और अपना जो एक्सपीरियंस रहे उसको शेयर करिए, और हमारी इंस्टाग्राम आईडी है वहाँ भी आप इसको चेक कर सकते हैं कि कैसे क्या बढ़ रहा है, हम लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी प्रकार से रहेगा हम लोग का काम कि जिससे न्यूट्रिशन वैल्यू बनी रहे, हेल्थ आपका अच्छा रहे। भैया एक यहाँ इशू हमने देखा, हम लोग लगभग 1-1.5 महीने से काम कर रहे हैं, तो सर जॉइंटिस की बड़ी समस्या आ रही है, बहुत सारे लोग आते हैं कि भैया जॉइंटिस हो गया है, तो हम लोग जो सजेशन कर सकते हो तो पर उनको ये ज़रूर बताते हैं कि आप फ्रूट्स का सेवन करिए, और सर 20 रुपये प्लेट है उसमें, और हम लोग लगभग 7-10 प्रकार के फ्रूट्स डालने को उसमें प्रयास करते हैं, और अच्छे मतलब ज़्यादा बेनिफिट अपने को नहीं है क्योंकि फ्रूट जो होता है वो कॉस्टली पड़ रहा है। भैया आ रहे हैं, ये नहीं कि कल भैया ने काफ़ी अच्छे स्टार्टअप किया और हम लोगों को इससे काफ़ी अच्छी हेल्प भी मिल रही है। अच्छा, सुबह उठ के इनका सुबह सुबह ही मेहनत, और MPPSC में भी अभी ऐसी जिस प्रकार की स्थिति चल रही है उसको देखते हैं इनका ये काफ़ी अच्छा स्टार्टअप है। पौष्टिक नाश्ता दे रहे हैं। हाँ यस, और काफ़ी ठीक है, लगभग 100 से 150 प्लेट तक अब निकलना भी चालू हो गया है, लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, जो स्टूडेंट है वो बहुत अच्छा सपोर्ट। ड्रैगन फ्रूट है, ये टिफिन में भी बच्चे मतलब ले ही जाते हैं। जी जी, अब बच्चों के लिए भी टिफिन बनाना। हाँ, पोहा और जलेबी से तो अच्छा ही है। सर कैसा लगता है सर टेस्ट? सर बहुत बढ़िया है, और सुबह सुबह फ्रूट्स का जो है नाश्ता मिलना मतलब बाकी ऑयली और स्पाइसी चीज़ से काफ़ी बेटर है, और 20 रुपये में ये सब चीज़ मिल जा रही है यहाँ, तो बहुत अच्छा है हम स्टूडेंट्स के लिए, तो बहुत अच्छा है। सुबह से ही ताजगी बनी रहती है। हाँ, सुबह से एकदम एनर्जेटिक हो जाते हैं,
बाकी ऑयली चीज़ को खाने से लगता है कि आलस भी आता है और इससे एकदम फ्रेशनेस रहती है। सर आपको कैसा लगा सर? बढ़िया है, 20 रुपये में इतना कुछ मिल रहा है और क्या चाहिए। पुआ जलेबी से काफ़ी बेटर है। बेटर है, सही है और अच्छा रहता है, खाने के लिए पौष्टिक भी है, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सही बात, बहुत ही फ़ायदेमंद है पुआ जलेबी खाना, तो बहुत फ़ायदेमंद है बहुत ज़्यादा। और जो वहाँ अगल बगल के जो शॉप में भी काम करते हैं भैया चाय वाले, वो भी बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं कि आप अच्छा कर रहे हो और आप ऐसे करते रहो तो ज़रूर एक दिन अच्छा नाम होगा। और हम लोग चाहते हैं भैया कि कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन पे काम करेंगे तो थोड़ा इसका भविष्य भी अच्छा है, लोगों का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हम लोग भी अच्छा, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लोक सेवा में ही जाना है। तो लोक सेवा अभी से हम लोगों ने चालू कर दिया कि लोक सेवा होनी चाहिए, तो अभी से चालू करते हैं, उसको थोड़ा सा लाते हैं और जैसा रिजल्ट रहेगा फिर हम लोग फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे ऐसे ही। हम इनको हमेशा मोटिवेट करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ स्टूडेंट एरिया है, हाँ जी, और सिर्फ सस्ता है, 20 नॉर्मल प्राइस जितना भी है 20 रुपए, पौष्टिक भी है, हाँ, और इतना चलता है और बस इसी तरह से हेल्दी भी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए बढ़िया सी फलार वाला ये सैलेड प्लेट आ गई है और हमारे तेज भाई और उनके साथियों ने इतना बढ़िया काम करा है, सुबह सुबह पौष्टिक नाश्ता खिला रहे हैं और चेंज करते रहते हैं। जैसे आज मेरे को ये ड्रैगन फ्रूट मिला है जो कि इतना कॉस्टली आता है, पर 20 रुपए में इस प्लेट के साथ ये दे रहे हैं। और लगभग 8 से 10 प्रकार के फ्रूट्स रहते हैं इसमें और लोगों के आपने फीडबैक देखे देते नहीं, कितनी भीड़ लग रही है आप देख सकते हैं और कितना नीट एंड क्लीन तरीके से देते हैं। जैसे कि अपन ने पूरा वीडियो में देखा घर पे, बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, कैप लगाते हैं, ग्लव्स पहनते हैं और बिल्कुल फ्रेश फ्रूट्स लेके आते हैं। और हमारे इतने मोटिवेशनल भैया लोग हैं, ये सब PSC की तैयारी कर रहे हैं, पूरा इंटरव्यू तक फेस कर रहे हैं, पर ये है कि हाँ साथ में एक पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं जिससे एक सेल्फ डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी इनकी बनी रहे। तो साथियों काफ़ी मोटिवेटेड पर्सन है, आप लोग भी आइएगा, विजिट करिएगा, सैलेड ट्राई करिएगा। और ये भोलाराम उस्ताद मार्ग पे ये आप देख सकते हैं लैंडमार्क है ये, तो काफ़ी बढ़िया है ये। इसकी एड्रेस और GPS लोकेशन भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ आएँ, फैमिली के साथ आएँ और ये बढ़िया टेस्टी सैलेड जो फलार प्लेट है उसको ट्राई करें। तो साथियों मिलते हैं अंतिम दौर के अगले वीडियो में, ये व्हाट्सएप नंबर है, कुछ ना कुछ मोटिवेशनल कंटेंट आप लोग बताते रहिए ताकि हम लोगों को इंस्पायर करते रहें। तो साथियों ध्यान रखिएगा एक दूसरे का, टेक केयर एंड बाय बाय।